काफी ज्यादा डिफरेंट और काफी ज्यादा यूनिक। तो आप मेरे काफी कम लोगों को पता है मैं आम रेस्लिंग करता हूं यानी कि पंजा लगाता हूं। तो गाइस आज मेरा कंपटीशन है, तो फिलहाल हो रहा है मैं काफी ज्यादा लेट। आप सब लोग को बहुत मजा आने वाला है, वीडियो प्लीज स्किप मत करना, आज का व्लॉग पूरा देखना, पूरा एंड तक तबाही व्लॉग है मैं बता रहा हूँ आपको। तो गाइस निकल पड़ा हूं मैं, कोई चीज दिखाता हूं अगर आप डॉगी हो। गाइस आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया भाई मेरे, बाय बाय। आज मेरा आमने से कंपटीशन है, बेस्ट ऑफ लक बोल दे, बेस्ट ऑफ लक। हेलो एवरीवन, दिस इज मी प्रो राइडर 1000। जैसे आप सब लोग जानते हैं हर साल की तरह इस बार भी ऑल इंडिया नेशनल आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप होने जा रही है GLI यूनिवर्सिटी मथुरा में। हम 85 कंटेस्टेंट यहां से पास हुए हैं उत्तराखंड टीम से, जो अलग अलग वेट कैटेगरी में हम फाइट करेंगे। सबका जोश भरपूर है, बस मेरा थोड़ा सा मुझे लगता है कि आई एम नॉट रेडी फॉर दैट, लेकिन फिर भी मैं कंपीट करूंगा क्योंकि पिछले महीने ना डाइट हो पाई है ना एक्सरसाइज हो पाई है, बस एक हिम्मत और एक जोश के साथ मैं कंपटीशन फाइट करने जा रहा हूं। एंड आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ उत्तराखंड आर्म रेसलिंग। पूरी जोश और हिम्मत के साथ आशा करता हूं कि अपने लिए और अपने बेटे के लिए भी एक गोल्ड मेडल लिखे। तो मिलते हैं हरिद्वार। हेलो गाइस, दिस इज मी प्रो राइडर 1000। अभी हम हरिद्वार से निकल चुके हैं, एसी बस है, केबिन वाली आप देख रहे हैं जैसे ट्रेन का डब्बा, और हमारी पूरी टीम यहीं पर बैठी है, कुछ स्लीपर उसमें बैठे हैं। और अब आप कैमरा चेंज कर रहा हूँ, अब देखो कि मेरे को पूरा हिला रही है इस समय। ये उत्तराखंड की हमारी टीम, ये देखिए सब रेडी हैं बिल्कुल रॉक एंड रोल करने के लिए। हाँ भाई, बिना टिकट के कोई ना बैठे नहीं। ये देखिए ये एक बंदे हमारे कुमा में भी जा चुके हैं, शायद हमारे साथ नहीं है। हमारी टीम वहाँ पूरी लास्ट तक है, और आपको आगे का हाल बताता हूँ। ओ भाई, बिना टिकट कोई ना बैठे। ओके, ये हमारी टीम, चलते रहो, धीरे जल्दी आओ। हम GLI यूनिवर्सिटी पहुँच चुके हैं, जल्दी। ये देखो सुबह का टाइम है, सुबह का टाइम प्रो राइडर 1000 तब मिलेंगे यहाँ पे। हम GLI यूनिवर्सिटी के अंदर खड़े हैं, जस्ट अभी पहुँचे ही हैं, तो अभी रूम अकोमोडेशन वगैरह हो रही है, किसको कितना कैसे रूम मिलेगा। मैं यहाँ पर बॉडी वेट के लिए वेट कर रहा हूँ, देखिए सारे खिलाड़ी बॉडी वेट कर रहे हैं, और ये अगस्त्य चौहान प्रो राइडर 1000 के फैन हैं, मथुरा से आए हैं मेरे को मिलने स्पेशल। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कुश वर्मा। तो आप ये इमेजिन कीजिए, ये सब लोग देख लीजिए मिलने आए हैं मेरे से, ये मेरा हौसला बढ़ा रहे हैं कॉम्पिटिशन में। बस क्या बताऊँ, मेरा बॉडी वेट हो गया 108 किलो, अब मेरी 4 फाइट्स होंगी ऑल इंडिया में, जो भी यहाँ पे ऑल इंडिया में जितने भी टॉप प्लेयर शो करोगे मेरी फाइट उनके साथ होगी। आशा करता हूँ कि मैं अपना मेरी मार सकूँ पेटे के लिए। थैंक यू सर, और इनका सहयोग मुझे मिलता रहेगा। उनसे फैंस आए मिलने, सिर्फ यही है जो कैंपस में हेलमेट से आया, बाकी कोई भी नहीं आया। थैंक यू बेटा। हमारे प्रेसिडेंट प्रतीश जिगानी मैम भी है साथ में, अब्बास हमारे के साथ में है। ये अगस्त प्रो राइडर 1000 के बारे में बोलना चाहते हैं, उसे आज काफी मिस कर रहे हैं गेम में। ये लीजिए अब उन्हीं की जबानी सुनते हैं। और आम रेसलिंग का इतना बड़ा फैन था, और यहाँ पे आम रेसलिंग की इतनी धूम मची हुई है, हम सब चाहते हैं सब अगस्त्य के नाम याद रखें। आप प्रो राइडर 1000 के फैन सब्सक्राइबर को क्या बोलना चाहेंगे? मैं अगस्त्य प्रो राइडर के सारे फैन और सब्सक्राइबर्स से यही कहना चाहूँगी कि आप अगस्त्य की याद जिंदा रखें, और चैनल सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, करते रहिए, क्योंकि बहुत सारे आम रेस्लिंग और आम रेस्लिंग की नोट आती रहेगी, और अगस्त्य आम रेस्लिंग की बहुत बड़ी फैन, तो हम उनकी याद हमेशा जिंदा रखें। अब मैं मिस फादर जितेंद्र चौहान, मैं भी अब राइडिंग के साथ साथ इसमें हर वीडियो में आम रेसलिंग की डाल रहा हूँ, ताकि हमारे गांव के और बच्चे भी कुछ जुट में शामिल हो, मैं उसमें पूरी हेल्प।
बिल्कुल जितेंद्र चौहान जी ये चैलेंज ये जारी रखेंगे, सारे वीडियो जानेंगे तो आप देखिए और फॉलो कीजिए। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। हेलो गाइस, आई एम बैक एट होम। अभी रात के 11 बज रहे हैं और मैं मथुरा से जस्ट पहुंचा हूं। गर्मी ने वहां मार दिया था, लेकिन हमारी उत्तराखंड की टीम ने जो इस बार कमाल कर दिया वहां पे, कम से कम 8-12 मेडल, 8 से 10 या 12 मेडल हमने गोल्ड मेडल जीते हैं, सिल्वर भी जीते हैं, ब्रॉन्ज भी, लेकिन गोल्ड इस बार हमने 223 में बहुत सारी जीते। मेरी फाइट 110 किलो में थी, इसमें केरला, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब वहां के खिलाड़ी थे। मैं मेरी तीन कैटेगरी में मेरी एंट्रीज थी, एक कैटेगरी में हार गया था क्योंकि उस समय मेरे को जोश नहीं आ रखा था, कुछ फीलिंग नहीं हो रही थी, हाथ से जान ही नहीं लग रही थी। लेकिन फिर कुछ देर बाद हमारी दूसरी कैटेगरी शुरू हुई जिसमें अंदर से फीलिंग आ रही थी कि बेटा होता तो और खुशी होती, और खुशी होती, और खुशी, उसका नाम ले लेकर जैसा मेरे को जोश आता रहा। फिर मैंने वो कैटेगरी फाइट करी एंड उसका नतीजा ये निकला गाइस कि मैं दो कैटेगरी में गोल्ड मेडल मैंने जीते हैं 110 किलो में। लेफ्ट हैंड से भी मेरा गोल्ड है और राइट हैंड से भी मेरा गोल्ड है। और सबसे अच्छी बात यह है, ये देखिए, ये तो है मेरा सर्टिफिकेट, ठीक है। और अब देखिए असली सर्टिफिकेट, ये जो एक गोल्ड मेडल मैंने अपने बेटे के लिए जीता है, काश वो भी साथ में होता तो 2-4 मेडल उसके भी और होते। तो आशा करता हूं आने वाले ब्लॉग के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। और हाँ, अभी मैं मथुरा से लौटा हूं, काफी बॉडी में पेन भी है, स्वेलिंग आ रखी है टांगों में। अब मथुरा से लौटने के बाद आप इमेजिन करो कि कितना बॉडी में पेन हो रहा होगा। बहुत गर्मी थी वहाँ, बहुत गर्मी, GLL यूनिवर्सिटी में बस इतनी गर्मी थी कि मैं वहाँ पूरे मथुरा में रश था, बहुत गर्मी थी, बॉडी थक चुकी है। तो 2-3 दिन के लिए मैं वीडियो ब्लॉग्स नहीं बना पाऊँगा, लेकिन मुझे टप्पल से इंस्पेक्टर साहब का फोन आया था, वो मेरे कैमरे मेरे को लौटा रहे हैं, उसमें सारी चिप्स मौजूद है जो उस कैमरे में वहां की जो पुलिस में सहयोग कर रही है कि जो रॉ फुटेज मिली है वो किसी के पास नहीं। GoPro 8, GoPro 10, 360, उसमें जो रॉ फुटेज है आने वाले टाइम पे मैं वो रिवील करूंगा, लेकिन मेरे को उससे पहले SSP सर से परमिशन लेनी पड़ेगी क्योंकि कुछ उसमें फुटेज उन्होंने मना की है कि अभी नहीं दिखाना पब्लिक में, इन केस उसमें कुछ लीगल पॉइंट्स होते हैं, तो चलो वो एक अलग मैटर है। और हाँ, आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, पिछली वीडियो में मैंने आपको एक बताया था कि मेरे को एक लड़का मिला था सेलाकुट में, वीरू, ये हमारा वीरू है, इस बार नेशनल में इसने गोल्ड मारना है,
इससे मेरी उम्मीद है ये 65 के कैटेगरी में फाइट करेगा जूनियर डिवीजन में। होप ये अच्छा खेले और उत्तराखंड के लिए नाम कमाए। ये हमारे लिए गोल्ड जीतेगा, उसने वो कर दिखाया, उसने भी गोल्ड मेडल जीता है और उसके लिए मैं पूरी अपने उत्तराखंड की टीम को बधाई देता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन दिया। हमारे जनरल सेक्रेटरी शिवा चौधरी फ्रॉम हरिद्वार, उन्होंने भी पूरा टीम मैनेजमेंट को संभाल के रखा एंड वेरी, वो बहुत ही हम्बल और नाइस गाय है और फैशन में वो सबका बाप है। 6 फीट हाइट है, बॉडी परफेक्ट है। वो अपने प्लेयर्स के लिए अगर कहीं गलत हो रहा होगा तो 10 जनों से लड़ जाता है, सीनियर रेफरी से भिड़ जाता है। ये भी उस बंदे की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। आप लोग सब आने वाले ब्लॉक का इंतजार कीजिए, मैं उसमें तीनों कैमरे की क्या क्या उसमें डैमेज हुए सब रिव्यू करता हूँ। तो आपसे अगले ब्लॉग में मिलते हैं। थैंक यू।